फेयर पॉलिटिक्स हो हाँ। तो कोई चुनौती नहीं खेल में मज़ा आता है हार जीत चलती है पर बंगाल में जिस तरीके से जान भी बचाना है आपको इज्जत भी बचाना है हाँ। कुछ उदाहरण के साथ कुछ किस्से भी बताए <laughs> <आप laughs> क्योंकि आप किस्से बहुत अच्छे बताते हैं सुनाते हैं तो लोग जानना चाहेंगे भाई एक तो जान भी बचाना है आपको और इज्जत भी बचाना है कि कल से कोई कुछ भी आरोप लगा दे आपके ऊपर तो निश्चित रूप से बंगाल एक बड़ी चुनौती थी पर मुझे लगता है कि पार्टी के नेताओं का मार्गदर्शन उनके आशीर्वाद से मैं एक तो एक बार आपने शायद वो वीडियो भी देखा हुआ एक जगह मुझे घेर लिया था लगभग दो ढाई हज़ार लोगों ने और मैं मतलब वो चमत्कार था मतलब मैं जिस जगह गया था वहाँ पर इंटरनेट बंद था वहाँ दो ढाई हज़ार लोगों ने घेर लिया मुझे मैंने मेरे पास सिक्योरिटी थी चार चार पांच जवान थे उन्होंने कहा सर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है मैंने क्यों तो मैंने ऊपर नीचे देखा तो लोग हथियार बंद लेकर खड़े हुए हैं और मैंने अचानक होम मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया मैंने कि ऐसी ऐसी बात है मैं यहाँ गिर गया हूँ तो बोले लोकेशन भेजो तो वहाँ इंटरनेट बंद था हम लोगों के पास पंद्रह टेलीफोन थे लगभग सब सिक्योरिटी वालों के पास भी और हमारे सब लोगों के पास किसी में किसी के पास कुछ समझ में नहीं आया लोकेशन कैसे भेजें ऐसे में ही तत्काल सिर्फ एक टेलीफोन मेरे पीए है प्रशांत उसको इंटरनेट आ गया एकदम उसने इंटरनेट से लोकेशन भेजी गृह मंत्री जी को और मैंने ट्वीट किया उसके बाद इंटरनेट वापस चला गया वो इंटरनेट कैसे आया कहाँ से आया ये हनुमान जी जानते और कोई नहीं जानता क्या बात और सिर्फ एक टेलीफोन पर आया शायद उस दिन वो इंटरनेट नहीं आता तो हमारी लोकेशन नहीं मिलती और हो सकता है कि मैं आपके साथ यहाँ बैठा हुआ नहीं मिलता इस प्रकार घिरा हुआ था पर ईश्वर हमको हमने देखा नहीं पर ऐसा महसूस किया है कि वो इंटरनेट अगर किसी ताकत से चालू हुआ तो ईश्वर की ताकत से चालू हुआ और वो एक मेरा जीवन का एक ऐसा अनुभव है जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मैंने भगवान को नहीं देखा पर भगवान को महसूस किया क्या बात राजनीति के सवालों के साथ आपने अभी हनुमान जी का जिक्र किया यहाँ बहुत सारे लोग दिल्ली से भी आए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से भी आए हैं अभी जैसे हेमंत जी ने मुझे बताया तो एक आपने जो एक सोशल एक तरह से आपने अपनी आध्यात्मिक सामाजिक जो पहल एक नागरिक के तौर पर ज़िम्मेदारी नेता के तौर पर जिम्मेदारी एक जो अभी कह रहे थे कि एक आपने आधुनिक तीर्थ यहाँ तैयार किया वो परिकल्पना क्या है उसके बारे में भी बताएं तो जो बाहर से आए लोग हैं उनके लिए भी जानकारी होगी और ये चैनल से लाइव जा रहा है जो इंदौर के बाहर के लोग हैं और इंदौर के लोग बाहर रहते हैं उनके लिए गर्व की अनुभूति होगी ताकि वो इंदौर आएँ तो उनके लिए हो कि एक हमारे पास धाम एक तीर्थ और बन चुका है प्रताप जी मैं मेयर था दो में और इंदौर का एक वाटर सिस्टम है जो इंदौर में जश्वंत सागर से पानी लाता है उसका फिल्टर स्टेशन है गोवट गिरी के आगे तो मैं फिल्टर स्टेशन देखने गया था तो वहाँ एक बहुत वीरान पहाड़ी पड़ी हुई थी उसमें एक भी पेड़ नहीं था सिर्फ फिर कांटे वांटे लगे हुए थे तो मैंने वैसे पूछ लिया इनके जमीन किसकी बोले हमारी मतलब हमारी मतलब नगर निगम की हाँ तो मैंने कहा अरे इतना बड़ा क्षेत्र लग है लगभग पचास साठ एकड़ का तो मैंने कहा खाली पड़ा है बोले हाँ खाली पड़ा है उस वक्त ऐसे ही जैसे एक व्यक्ति का वास्तु होता है एक परिवार का वास्तु होता है एक मकान का वास्तु होता है एक शहर का वास्तु होता है एक देश का वास्तु होता है तो मैंने एक यहाँ पर दुनिया के वास्तुविदों की एक सम्मेलन किया था तो उसमें एक ने कहा कि इंदौर को पितृदोष है क्योंकि यहाँ पर जो होलकर स्टेट के समय थे उस समय, थे, उस समय की कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई तो उसको पितृदोष है तो मैंने कहा उसके लिए क्या करना चाहिए बोले पितृदोष दूर करना चाहिए तो मैंने पूछा कैसे हो सकता है फिर उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है उस पर्वत को हमने पित्रेश्वर धाम रख दिया उसका नाम और वहाँ इंदौर शहर के लोगों से कहा कि आप अपने पितरों के नाम से एक पेड़ लगाएं मुझे कहते हुए गर्व है कि देश के एक मॉडल स्थान है जहाँ पर इंदौर के रहवासियों ने ढाई लाख लोगों ने अपने परिजनों के नाम से वहाँ पर पेड़ लगाए हैं और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों ने वहाँ पर पेड़ लगाए और हंड्रेड परसेंट लाए हुए ढाई ढाई लाख के ढाई लाख पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पर और उस वक्त मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी उन्होंने भी पेड़ लगाया अपने माता पिता की याद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे विलास राहु जी देशमुख उन्होंने भी लगाया हमारे परम पूजनी सरसंगचालक थे मानी सुदर्शन सुदर्शन जी उन्होंने भी अपने पितरों की याद में वहाँ पर पेड़ लगाया तो ढाई लाख पेड़ लगे हुए और वहीं पर अचानक हम लोग अग्निबान के संपादक जी भी थे राजेश चलाव जी हम सब लोग थे और एकदम कहा कि यहाँ पर कुछ मंदिर बनना चाहिए तो मैंने कहा ठीक है बन जाएगा कहा कि किसका बन तो हनुमान जी का तो मैंने वहीं से जो मूर्तिकार थे उनको फ़ोन किया कितनी बड़ी मूर्ति बना सकते हो तो उसने बोला कि जितनी बड़ी बनकर जितनी बड़ी बना सकते हो बनाओ आप और हनुमान जी की मूर्ति एक अष्टधातु की वहाँ पर देश की सबसे बड़ी मूर्ति लगी हुई मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वो एक गाना है जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जल्लों की याद आती है उसकी एक अंदर की लाइन है कि गुनगुना बताएं हाँ तुझको <laughs> देखा है मेरी आंखों ने तुझको देखा है मेरी आंखों ने और आंखों में जुबा नहीं होती इसलिए जिक्र नहीं कर सकता क्या बात? इस, इस गीत का भाव ये है तो जो देख सकती है वो बोल नहीं सकती क्या बात? तो हनुमान जी को आप जब देखेंगे ना तो आपकी आंखें बोलेगी मैं नहीं बोल सकता नहीं, उसको आज देखेंगे। <laughs> और इसलिए उस मूर्ति को आप देखेंगे और एहसास करेंगे तो ऐसा लगेगा हनुमान जी यहाँ पर साक्षात परिराजित है